Hello friends, this is Math Guru Pawan Wag. Our today's topic is congruence. We will study about congruence of line segments, congruence of angles, the correspondence of the vertices of triangles, congruence of triangles, congruence of scalene triangle, congruence of isosceles triangles, congruence of equilateral triangles, and congruence of quadrilaterals and circles. सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स. अब दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? देर आर टू लाइन सेगमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ आपको दिख रहा है सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट आर एस, ये दो लाइन सेगमेंट है. अब इनको कॉन्ग्रेंट बताने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड है कि व्हाट वी विल डू, पुट वन टिप ऑफ द डिवाइडर. ये जो डिवाइडर है इसका एक टिप, पुट दिस टिप ऑन पॉइंट पी एंड पुट द अनदर टिप ऑन पॉइंट क्यू एंड विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके आप बीच का डिस्टेंस चेंज न करते हुए उसका एक टिप अगर आप आर पर रखते हैं तो यू विल फाइंड दैट द अनदर टिप विल कम ऑन एस. अगर ऐसा होता है तो वो दोनों के दोनों जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रेंट हो गए. या हम बोलेंगे पहले कि वो दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है. उनकी लेंथ अगर इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रेंट हो गए. मीन्स इफ द टू लाइन सेगमेंट्स हुज लेंथ इज सेम, whose length is equal, then they are congruent to each other. और उसको हम आगे बताएंगे फिर से. एक और मेथड है कि दो लाइन सेगमेंट कैसे कब कॉन्ग्रेंट होते हैं. सो प्लेस अ ट्रेसिंग पेपर ओवर सेगमेंट पी क्यू एंड ड्रॉ अ सेगमेंट पी क्यू. मतलब आपको करना क्या है, पी क्यू के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखना है और उसके ऊपर पी क्यू ड्रॉ करना है, उसको पी एंड क्यू नाम भी देना है. देन पॉइंट पी को आपको उसको उस पे से उठाकर सेगमेंट आर एस पर रखना है. आर एस पर रखते हुए ध्यान रहे कि पॉइंट पी जो है वो एग्जैक्टली आर के ऊपर आए. तो आपको मिलेगा क्या कि अगर आप पी को पॉइंट आर के ऊपर रखते हैं तो क्यू जो है वो एग्जैक्टली एस के ऊपर आएगा. मतलब उन दोनों का लेंथ सेम है, इसका मतलब भी यही होगा. दो तरीके हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट देखने के. एक तो आप डिवाइडर का यूज करें, जिसमें आप फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताई, और सेकंड है पेपर ट्रेसिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं कि आप ट्रेसिंग पेपर का यूज करें और उससे भी आप चेक कर सकते हैं. और बहुत जरूरी है, डिवाइडर का जनरली यूज हम ज्यादा करते हैं बिकॉज डिवाइडर इज ऑलवेज विथ अस. और देखिए कई बार क्या होता है कि दो लाइन सेगमेंट जो होते हैं, जैसे यहां आपको दिख रहा है दो लाइन सेगमेंट जो होते हैं वो दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट, कई बार होगा 3.9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट और 4 सेंटीमीटर का एक, और आपको पूछे बताइए. तो विद ऑब्जर्वेशन देखने से नहीं समझ पड़ता, कई बार वो एक जैसे दिखते हैं 3.9 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर का, वो एक जैसे दिखेंगे लेकिन जब आप डिवाइडर रख के चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक छोटा है और एक बड़ा है. उसके बाद अब बात आती है सिंबॉल्स. द सिंबॉल ऑफ दिस इज द सिंबॉल टू यूज द कॉन्ग्रेंस. अगर आप दो से लाइन सेगमेंट अगर कॉन्ग्रेंट है, ओके दो लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट हो गए. और हम उसको इस तरह से लिखेंगे सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट विथ सेगमेंट आर एस. और मैथमेटिकली जब हम उसको लिखेंगे विल राइट लाइक दिस, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट आर एस. ये जो साइन है ये कॉन्ग्रेंस का साइन है. हम जब दो चीज़ें कॉन्ग्रेंट होती है, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, चाहे वो एंगल हो, या चाहे वो और कुछ हो, उन सबका हम यूज इस सिंबल का यूज उन करते हैं अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो. कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट में अभी आपके सामने क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट. अभी आपको यहां पर आठ अलग अलग लाइन सेगमेंट देके रखे हैं, उनका अलग अलग का मेजरमेंट, अलग अलग की लेंथ देके रखी है. और अब आपको बताना है कि कौन कौन सी जो लाइन सेगमेंट है, कौन सा लाइन सेगमेंट किससे कॉन्ग्रेंट है. तो सबसे पहले हम पहला वाला ले लेते हैं सेगमेंट एस पी, जिसका मेजरमेंट जो है, जिसका लेंथ जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है. अब दूसरा कौन सा है, देखिए दिस इज वी के, ये दोनों का जो मेजरमेंट है वो 7.2 है. अब 7.2 मतलब क्या है, उनकी लेंथ इक्वल है. और जब दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ्स इक्वल होती है तो दे आर कॉन्ग्रेंट विथ ईच अदर. सो विल राइट लाइक दिस, सेगमेंट एस पी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट वी के. नाउ द सेकंड वन, सेगमेंट एम पी देके रखा है, देखो यहाँ उसका लेंथ कितना दिया है, 4.7 सेंटीमीटर. मुझे बताइए और 4.7 कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ 4.7 कहाँ है, यस दिस वन. सेगमेंट ए एल इज ऑल्सो 4.7. देखते हैं सेगमेंट एम पी एंड सेगमेंट ए एल,
दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ सेम है मीन्स बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए एल। सिमिलरली यू कैन फाइंड द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। अभी आप इसमें बाकी दूसरे कौन से हैं वो चेक कर सकते हैं। आपके सामने अगर बहुत सारे लाइन सेगमेंट का लेंथ, अलग अलग लाइन सेगमेंट्स के लेंथ दे के रखिए और आपसे पूछा जाए कि कौन से कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका लेंथ इक्वल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, जैसे अभी हमने लाइन सेगमेंट में देखा कि दो लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसी तरह अगर दो एंगल्स का मेजरमेंट सेम आता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ आपके सामने एक एंगल है, एंगल के एल एम, और दूसरा एंगल देखे रखा है एंगल ए बी सी। नाउ मेजर्स ऑफ द एंगल्स विद द प्रोटेक्टर, अगर आपने इसको इन दोनों को प्रोटेक्टर से मेजर किया तो मेजर करने के बाद क्या होगा, यू विल फाइंड दैट बोथ द एंगल्स आर इक्वल, दोनों का मेजरमेंट इक्वल आएगा। मुझे आई थिंक दिस इज 60 डिग्री का आएगा, ये दोनों का, दोनों इसका भी 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा। और जब दो एंगल्स का मेजरमेंट एक हो तो वो दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिखेंगे, एंगल के एल एम इस यहाँ पर जो दिया है कि एंगल के एल एम का मेजरमेंट जो है ए बी सी के इक्वल है, तो अगर मेजरमेंट इक्वल है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स ऑफ द इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर एंड वी विल राइट लाइक दिस, एंगल के एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। बहुत सिंपल है, और वैसे भी जो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये सारा का सारा आपको हायर क्लासेस में आपके यूज़ में आने वाला है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ द ज्योमेट्री विच यू शुड नो। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स में आपको फिर यहाँ फिर से क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अभी इतने अलग अलग एंगल्स देखे रखे, अभी देखिए सबसे पहला एंगल देखे रखा है जे, जे है मेजरमेंट ऑफ जे कितना है 42 डिग्री है। अभी यहाँ पर और 42 आपको कहाँ दिख रहा है, दिस एंगल डी, दिस इज 42। सो बोथ द एंगल्स का मेजरमेंट सेम है, तो मेजरमेंट ऑफ द बोथ द एंगल्स आर सेम सो दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो वी कैन राइट एंगल जे इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। सिमिलरली यू कैन फाइंड यहाँ 105 है एंगल एम का, और 105 कहाँ, ये देखिए ये आई है, तो एम जो होगा वो आई से होगा और एस जो होगा वो एफ से कॉन्ग्रुएंट होगा। आप ये दिस यू कैन फाइंड आउट। करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल, अभी दो ट्राइंगल्स के बीच में जो कंडीशंस होती है, अलग अलग करस्पॉन्डेंस होते हैं, उसका हम स्टडी करेंगे। यहाँ आपको देखे रखा है, देखिए लुक एट द ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, एंड पॉइंट क्यू, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर आर द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हियर वर्टेक्स पी इज द पेयर ऑफ वर्टेक्स बी, और यू कैन राइट, देखिए पी और बी का अगर आप पेयर बनाते हैं, दिस इन दोनों का पी पेयर बनाते हैं, तो वर्टेक्स पी करस्पॉन्डेंस टू वर्टेक्स बी, वर्टेक्स पी करस्पॉन्डेंस टू वर्टेक्स बी, उसको हम इस तरह से लिखेंगे, वर्टेक्स पी करस्पॉन्डेंस टू वर्टेक्स बी, एंड वर्टेक्स बी करस्पॉन्डेंस टू वर्टेक्स पी विल बी रिटन लाइक दिस, ओके। और अगर दोनों को हम लिख दें कि वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स पी आर करस्पॉन्डेंस टू ईच अदर, देन विल राइट इन सेम वे, इट कैन बी रिटन इन दिस वे। हियर यहाँ दोनों साइड आपको एरो लगाना है, सो इट शोज दैट कि दे आर करस्पॉन्डेंट टू ईच अदर, ओके। देर आर वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन बी एंड पी, यहाँ इसको ये जो होगा ये वन टू वन करस्पॉन्डेंस होता है, ओके। नाउ वी कैन ऑल्सो फॉर्म द करस्पॉन्डेंस सी एंड क्यू, ये भी वन टू वन है, सी करस्पॉन्डेंस टू वर्टेक्स क्यू एंड डी करस्पॉन्डेंस टू वर्टेक्स आर, दिस करस्पॉन्डेंस आर रिटन इन दिस वे टूगेदर। अगर हम मिला लें इसको, देखिए बी सी और डी ये एक साइड आ गया, तो पी क्यू एंड आर ये एक साइड आ जाएगा। करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टाइसिस देख के रखा है, करस्पॉन्डेंस रिटर्न टुगेदर लिख के रखा है। तो आप पहले आप वर्टाइसिस बताएंगे, अभी दो ट्राइंगल है बी और पी, पहला होगा देखिए यहाँ बी एंड पी, सी क्यू एंड डी आर, दे करस्पॉन्डेंस टू ईच अदर। वेन यू मिक्स इट, जब आप इसको मिला के लिखेंगे, टुगेदर लिखेंगे, तो बी सी डी, दिस इज बी सी डी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर। अभी करस्पॉन्डेंस को चेंज कर सकते हैं हम, अगर जैसे हमने बी एंड पी लिया है और सी और क्यू लिया, अगर हम सी और आर को ले तो
देखिए सी और आर को हमने लिया तो डी और क्यू हो जाएगा, तो बी सी डी, देखिए बी सी डी एंड पी आर क्यू हो गया ये। फिर यहाँ अलग अलग छः टाइप है जब आप इसको चेंज कर करके लिख सकते हैं, ये अलग अलग टाइप में आप इसको लिख सकते हैं, ये करस्पॉन्डेंस बताए जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कब कौन सा कैसा इक्वल होगा, वो आगे अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ बी एंड क्यू को बताया है, तो बी क्यू अगर साथ में लिया है, सी आर साथ में लिया है, तो डी पी साथ में हो जाएगा। सो बी सी डी क्यू आर पी, देखिए इस साइड बी सी डी ही लेकर चले हैं, लेकिन इस साइड वर्टेक्स चेंज करके देखते हैं, और ये तीन पॉइंट होने के कारण करीबन उसके छः ऐसे सिस्टम तैयार होते हैं। अभी आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट द वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल एस टी यू इन सिक्स डिफरेंट फेस। इस तरह से आपको वो लिख के बताना है, और बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। एक को आप फिक्स रखिए और बाकी जो दूसरा ट्राइंगल है उसके पॉइंट्स को आप चेंज करते जाइए, इजीली यू कैन मेक इट। नाउ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स की हम बात करें, जैसे सेगमेंट बी सी जो है वो दैट विल बी करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू, सेगमेंट बी सी एंड पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग टू इच अदर, सेगमेंट सी डी एंड क्यू आर करस्पॉन्डिंग टू इच अदर, देन एंड सेगमेंट बी डी एंड पी आर करस्पॉन्डिंग टू इच अदर, एंड द सेम वे एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल बी एंड एंगल पी आर करस्पॉन्डिंग टू इच अदर, यहाँ एंगल सी एंड एंगल क्यू आर करस्पॉन्डिंग टू इच अदर, एंड एंगल डी एंड एंगल आर करस्पॉन्डिंग टू इच अदर। द करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल में आगे हम देखते हैं, द एरो इन द फिगर बिलो शो द वन टू वन करस्पॉन्डेंस। अभी जैसे तरह से बी सी डी और पी क्यू आर को देके रखा है, तो इसको अभी सिम्बॉलिकली आपके सामने बताया। देखो ये एरो लगा के बताया कि बी एन पी अगर साथ में है, सी एन क्यू साथ में है, एंड डी एन आर साथ में है, तो इसको हम एरो से इस तरह से बताएंगे। देखिए बी पी करस्पॉन्डिंग्स टू इच अदर, सी क्यू करस्पॉन्डिंग्स टू इच अदर, एंड डी आर करस्पॉन्डिंग्स टू इच अदर, एंड दिस इज सी बी पी, हियर बी पी, सी क्यू, दिस इज सी क्यू, एंड डी आर, दिस इज डी आर। करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ दो ट्राइंगल देखे रखें, एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर। अभी आपको देखें यहाँ पर कि अब जो इक्वल साइड्स होगी या जो कॉन्गेंट साइड्स और कॉन्गेंट एंगल होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं करस्पॉन्डेंस जो देखे रखा है वो ए बी सी एंड पी क्यू आर में है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, देखिए दोनों इक्वल हैं। देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये बी एंड क्यू देखो, ये सिंबल भी देखे रखा है, और सी इक्वल टू आर। एंड द सेम वे सेगमेंट ए बी, देखो यहाँ ये वन कट दिया है, ये लाइन जो बता रहा है ये दिस, इन द सेम वे हेयर ऑल्सो गिवन, सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज कॉन्वर्ट टू क्यू आर, एंड ए सी इज कॉन्वर्ट टू पी आर। तो इससे क्या होगा, दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। वैसे ये यहाँ पर सिक्स बता के रखे, तीन साइड एंड तीन एंगल। किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए सिर्फ कोई भी तीन चीज़ों की जरूरत होती है, या तो तीनों साइड हो, या दो साइड एक एंगल हो, या दो एंगल एक साइड हो। हाँ, बट तीनों एंगल नहीं होते। अगर तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो वो फिगर सिमिलर हो सकता, सिमिलर तो होता ही है, उसके वो कॉन्ग्रेंट होगा या फिक्स नहीं है। अगर उसके एक साइड भी इक्वल आती है तो वो कॉन्ग्रेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द करस्पॉन्डेंस ऑफ स्केलन ट्राइंगल यहाँ देखे रखा है, इसमें दो स्केलन ट्राइंगल है, ये देखे रखे हैं आपके सामने। अभी दो स्केलन ट्राइंगल यहाँ पर, उसका ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एल एम एन देखे रखा है आपके सामने। अभी ये जो है स्केलन ट्राइंगल मतलब क्या है, कि जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट अलग अलग हो, और इसमें सिर्फ एक ही टाइप का करस्पॉन्डेंस चलेगा, आप इसको चेंज करके नहीं लिख सकते। इफ़ वी अप्लाई द करस्पॉन्डेंस, अभी देखिए इसने चेंज कर दिया, डी को एन से कर दिया, डी को एन से कर दिया, ई को एल से कर दिया, एंड एफ को एम से कर दिया, और एनी अदर करस्पॉन्डेंस द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रेंट, किसी भी दूसरे में सिर्फ एक ही सिस्टम होगा जिसमें ये करस्पॉन्डेंस होगा, फॉर दिस फॉर स्केलन ट्राइंगल। फॉर आइसोसेलेस में दो होते हैं, और फॉर इक्विलेटर में तीनों के, इक्विलेटर में फिर कोई भी चलता है, क्योंकि वहाँ सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, वहाँ सारी साइड्स इक्वल होती है। इफ टू स्केलन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, दे आर कॉन्ग्रेंट फॉर ओनली वन करस्पॉन्डेंस। द करस्पॉन्डेंस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल देखे रखा है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो। अभी देखो इसकी ये दो साइड इक्वल है, मतलब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। अगर ये दो साइड भी इक्वल है
तो फिर क्यू आर मतलब ये चारों के चारों एंगल आपस में इक्वल है, बी सी क्यू आर। अभी यहाँ देखिए रखा है बी और क्यू को मिक्स दिया है और सी और आर को दिया है, मतलब ए पी बी क्यू एंड सी आर। तो हम यहाँ पर इफ वी प्लेस पॉइंट पी पॉइंट ए ऑन पी बी ऑन क्यू एंड सी ऑन आर देन ए बी सी पूरा का पूरा पी क्यू आर के ऊपर फिट हो जाएगा, इट विल फिट ऑन इट। हैंस अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डेंस हम इस करस्पॉन्डेंस को इस तरह से लिखेंगे एंड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्गेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी यहाँ देखिए मैंने इस बी को इस पे क्यू पर रखा था, लेकिन अगर हम इस बी को यहाँ आर पर रखें और सी को क्यू पर, क्योंकि बिकॉज दीज एंगल्स आर इक्वल, दीज आर एंगल बी एंड एंगल सी दे आर इक्वल एंड क्यू आर ऑल्सो दे ऑल फोर आर इक्वल। तो आप बी को अगर आप आर आर पर रखें, मतलब इसको फोल्ड कर दें ऐसा, ए बी सी को पी क्यू आर के ऊपर फोल्ड कर दें, जिससे बी जो है वो आर के ऊपर आए सी और क्यू के ऊपर आए, तो क्या होगा? सो यहाँ पर मतलब यहाँ करस्पॉन्डेंस होगा ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू पी आर क्यू, और ये भी इस पर चलेगा, दिस करस्पॉन्डेंस विल ऑल्सो वर्क इन दिस। सो इट मीन्स दैट इफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट बाय वन करस्पॉन्डेंस दे विल बी कॉन्ग्रेंट बाय वन अदर करस्पॉन्डेंस टू। ओके, करस्पॉन्डेंस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई भी करस्पॉन्डेंस चलता है। इफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इन एनी वन करस्पॉन्डेंस दे आर कॉन्ग्रेंट इन एवरी अदर करस्पॉन्डेंस दे आर कॉन्ग्रेंट, वो क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है। द करस्पॉन्डेंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल देखे रखा है जिसका ये एंगल ए एंगल के से इक्वल है, एंगल बी एंगल एल से इक्वल है, एंगल सी एंगल एम से इक्वल है, डी एंगल डी एंगल एस के इक्वल है। सो अगर इक्वल है तो वो सारे के सारे कॉन्ग्रेंट है। वैसे ये साइड ए डी सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू सेगमेंट एस के, मतलब वो कॉन्ग्रेंट है। ए बी इज इक्वल टू के एल, फिर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई। तो सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो वी कैन राइट डेट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रेंट टू इच अदर। द करस्पॉन्डेंस ऑफ सर्कल, करस्पॉन्डेंस सर्कल। अच्छा आप बताइए, करस्पॉन्डेंस आपने कॉन्ग्रेंट सर्कल देखे हैं क्या? सबने देखे हैं, गर्ल्स यूज बैंगल्स, जो चूड़ियाँ होती है वो सारे के सारे सर्कल होते हैं, दे आर सर्कल विद द सेम रेडियस विद द इक्वल रेडियस, और जो इक्वल रेडियस के सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। द सर्कल्स विद द इक्वल इक्वल रेडाई आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। तो देखिए आप एक साइज की अगर आप चूड़ी देखें तो सारे के सारे कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होते हैं। आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।